101.2 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आमिर इन्फोटेनिया। और आज का जो इन्फोटेनिया एक्सप्रेस का ये जो सफर है, आप ये तय करने वाले हैं मेरे यानी रेशु के साथ। सभी लिसनर्स का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आमिर इन्फोटेनिया और आज के हमारे इन्फोटेनिया सेलेब हैं मिस्टर SP भारल। सर एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीच कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनकी एक बुक का नाम है 18 चैप्टर्स। ये बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और अभी पिछले दिनों ही मुंबई में इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से भी नवाजा गया। गुड मॉर्निंग सर, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग रेशु। सर आपकी बुक जो 18 चैप्टर्स है, इसमें आपने सपनों को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स के लिए आज सपनों को परिभाषित कर दें अपने अंदाज में। ये मेरे लिए बहुत मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और जब मैं ये बुक लिख रहा था तब मैंने सोचा कि सपनों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन सपने किसे कहते हैं, होता क्या है सपना, इसकी परिभाषा मुझे कहीं पढ़ने को, लिखने को, सुनने को नहीं मिली। तो फिर मैंने बहुत मुझे समय लगा और मैंने लगभग 3 दिन लगे इस परिभाषा को लिखने में। ये परिभाषा ये है कि सपना किसे कहते हैं, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। मतलब वर्तमान में, मतलब इस समय अभी जो चीज असंभव नहीं है, असंभव सी दिखाई दे रही है, मीन्स सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। अगर वो असंभव होती तो कभी संभव हो ही नहीं सकती, और दुनिया में कुछ असंभव तो होता ही नहीं है। लेकिन आज आपको वो असंभव सा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में सोचना। तकलीफ तो ये है कि लोग सोचते ही नहीं है जी। और सपने की शुरुआत तो सोचने से होती है, लोग सोचने से करते हैं। आप कुछ भी अगर अचीव करना हो, कुछ भी अगर प्राप्त करना हो, कोई भी चीज अगर, इस समय से कहते हैं कि कोई भी चीज दो बार घटती है, एक बार आपके दिमाग में घटती है, दूसरा फिजिकली घटती है। Exactly. तो दिमाग में जो घटती है उसे हम सपना कहते हैं। तो सपना की का मतलब ही सोचना है, पर क्या सोचना, जो आपको असंभव सा दिखाई दे रहा है। कब? अभी। असंभव नहीं है पर असंभव सा दिखाई दे रहा है वर्तमान में इस समय। अगर कोई आदमी सोचता है कि मुझे मछली चाहिए यार, मेरा ड्रीम मछली है, मुझे अच्छी कश्ती है, ब्लैक कलर की सी क्लास मछली, लेकिन अभी से लगता है यार ये तो कैसे पॉसिबल है, तो आज तुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, पर पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है, पर उसके बारे में सोच तो सही, हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल, हमें लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए 10 करोड़ रुपया, तो सोचो तो सही। हम सोचने से पहले अपना दिमाग का ढक्कन बंद कर देते, नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। तो व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ जी। लेकिन लोग जो सामान्य लोग होते हैं, 97% लोग सिर्फ हाउ के बारे में सोचते हैं, वाई के बारे में नहीं सोचते। आप पहले वाई के बारे में सोचो, क्यों के बारे में सोचो, सपने के बारे में बात करो, डिफाइन करो अपने ड्रीम को, फिर वो कैसे होगा। इसके लिए तो सैकड़ों लोग तैयार हैं, हजारों लोग तैयार हैं, और आपको भी रास्ता मिल जाएगा अपने आप उसको अचीव करने का, उस मंजिल तक पहुंचने का। पर पहले सोचना शुरू करें, वो जो आपको असंभव सा दिखाई दे रहा है। कब? अभी। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अपने लिसनर्स को बता दें कि चैंपियंस ऑफ चेंज जो पुरस्कार है वो इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था द्वारा सकारात्मक प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो सर किस तरह का बदलाव आप हमारी सोसाइटी में देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक हुंकार लगाई कि आप नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो जी। मैं एक अलग बात कहना चाहता हूँ उसी के संदर्भ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर बनो और दूसरे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दो। क्यों नहीं आपके दिमाग में एक एंटरप्रेन्योरशिप आती है, क्यों नहीं आपके दिमाग में लगता है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। ये जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड की बात है वो भी सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा भी बहुत आएगा, सम्मान रिकॉग्निशन भी बहुत आएगा, लेकिन अगर आपके संस्कार आपके पास नहीं है तो बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बर्बादी तो होगी अगर संस्कार नहीं है तो, क्योंकि जब वो पैसा आता है ना तो कुछ संस्कारों को, बुरी आदतों को साथ में लेके आता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी शिक्षा होना बहुत जरूरी है जो अध्यात्म की ठोस नींव पर टिकी हो। संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है,
मैं से एक लाइन में कहूं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप करोड़पति संत बने, संत करोड़पति नहीं, आप बने तो करोड़पति, अपने सपनों को तो पूरा करें, लेकिन आपकी सोच में और आपके आचरण में संतों जैसा व्यवहार हो। अपने रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल जुड़े रहना जरूरी है, उन संस्कारों में टिके रहना जरूरी है, उन सिद्धांतों को अपने आप की उनकी पालना करना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन जो मेरे संस्कार हैं, जिसमें अध्यात्म की ठोस नींव पर टिके हुए संस्कार कहता हूँ, वो कभी नहीं भटकने चाहिए, उनसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। सफलता के बहुत मायने हैं। सफलता के मायने, मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है या नहीं आ रही है, मेरी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो सफलता के मायने हैं। पीस ऑफ माइंड है या नहीं, वो सफलता के मायने हैं। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, बहुत सारी जिंदगियों में आप बदलाव लाए हैं, तो ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहें टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइव्स? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, डिफाइन योर ड्रीम, और वो ड्रीम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ड्रीम नहीं होता है। ड्रीम का मतलब है आप क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका पेनफुल एरिया, आप स्पिरिचुअल एरिया में क्या चाहते हो, आप अपने फिजिकल मेटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या चाहते हो, आप फैमिली के लिए क्या चाहते हो। एक बार सोचो, डिफाइन करो अपने ड्रीम को, और वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के करो, अकेले में नहीं। और जब वो आपने अपने ड्रीम डिफाइन कर लिए, बस फिर उनके पीछे लग जाओ जी। एक बार आप उनके पीछे लगे, फिर वो सपने आपका पीछा करेंगे। हर एरिया की ड्रीम एक बार डिफाइन करें, और दूसरी बात कि आप एंटरप्रेनर बने, एंटरप्रेनरशिप के बारे में सोचें, पर अध्यात्म की ठोस नींव पर, जिसे मैं कहता हूं करोड़पति संत बनो। बिल्कुल। और आपकी सोच वैसी हो जाए। इसमें एक बात और है कि योग्यता से आप सफल बन सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र आपको सफल बनाए रखने में मदद करता है। मतलब आप योग्यता से सफल बन सकते हैं, लेकिन चरित्र से सफल बने रह सकते हैं। सफल बने रहना है तो आपको करैक्टर की जरूरत है। जी नहीं तो ठीक है, एक बार आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, मंजिल हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर नीचे गिरने में भी देर नहीं लगेगी। इसके सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, टीवी की न्यूज में सुनते हैं, आपके रेडियो पर भी सुनते हैं। जी सर। तो इसलिए चरित्र साथ में होना जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि सफलता के मायने, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, हम चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। चैलेंजेस तो हर एक दुनिया में आएंगे ही, वो तो होते ही हैं, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन समझदारी ये है कि आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, या आप उन चैलेंजेस में उलझ के रह गए। अगर आप उन चैलेंज में उलझ के रह गए दोस्त, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और रोने वाले लोग के साथ कोई खड़ा नहीं होता, और कोई भी ये नहीं पूछता कि तुम्हारे आंसू क्यों आ रहे हैं, और हंसने वालों के साथ पूरी दुनिया आती है। तुम सिर्फ ये सीख लो कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, तो सफलता तो तुम्हारे साथ खड़ी है। लोग जो असफल होते हैं वो चैलेंजेस में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं और उससे निकल जाते हैं, तो सफलता आ जाती है। बहुत खूब सर, आपने बहुत छोटे में बहुत सारी बातें समझा दी। सुबह का समय और आपने अपने स्केड्यूल से आकाशवाणी जयपुर के लिए वक्त निकाला और फोन के माध्यम से इतनी खूबसूरत बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे सर। तो ये थे हमारे आज के इन्फोटेनिया सेलेब, एनर्जी से भरपूर मिस्टर SP भारल। अपनी मोटिवेशनल बातों से सुबह सुबह इन्होंने हमारे अंदर बहुत सारा जोश और उमंग भर दिया है।